आज हम बात करने वाले हैं पीएमजी दिशा सीएससी के सबसे बड़े सर्विस पीएमजी दिशा के बारे में। जी दोस्तों, मैं समझता हूँ सीएससी में इससे बड़ा सर्विस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एक स्टूडेंट के पीछे 300 रुपये का कमीशन, जी दोस्तों 300 रुपये का कमीशन दिया जाता है, और एक आईडी से आप 300 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके उसका एग्ज़ाम दिला सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में पास होगा उसको डायरेक्ट आपके डीजीपी वॉलेट में 300 रुपये का कमीशन आ जाता है, तो बिल्कुल बेस्ट सर्विस है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने पीएमजी दिशा का आईडी नहीं लिया है तो अविलंब बिना देरी के आप अपने डीएफ से संपर्क करें और अपने क्षेत्र में तुरंत पीएमजी दिशा का आईडी ले लें, और आईडी लेने के बाद तुरंत स्टार्टिंग कर दें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने का। इसमें 14 साल से लेकर 60 साल तक के किसी भी व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गाइस, आप देखना शुरू कर चुके हैं, कुछ नए करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कान के घंटे में क्लिक करके ऑल में क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कुछ नया करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना इस साइड में pmgdisha.in, इस साइड में आ जाना है। आने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको लॉगिन में क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे आपको अपना आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप पीएमजी दिशा के डायरेक्टर डैशबोर्ड पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद आपको नीचे आने से पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर में आने के बाद यहाँ पर एड स्टूडेंट में क्लिक करना है। तो जैसे आप एड स्टूडेंट में क्लिक करेंगे यहाँ सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ स्टूडेंट का नाम आप आधार देख कर ही सेम लिखना है। आपको एक स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करना है, ना ही एक स्पेस मिस्टेक करना है। फिर यहाँ से आपके स्टूडेंट का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पर, जो आधार में डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आई एग्री में चकमक लगा देंगे। अब इसको पढ़ लेंगे कि मेरे फैमिली के पास किसी के पास कंप्यूटर स्मार्टफोन नहीं है, मेरे परिवार में कोई भी सदस्य कंप्यूटर को उपयोग नहीं करता, स्मार्टफोन को उपयोग नहीं करता, सबको यहाँ पर कर लेना आपको, और यहाँ से चकमक लगा करके एड में क्लिक करना है। दो प्रकार से यहाँ, तो आप फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं या फिर आयरिस का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास फिंगरप्रिंट है, याद रहे आपके डिवाइस में फिंगरप्रिंट लगा होना चाहिए। यहाँ पर फिर नेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपको फिंगरप्रिंट के इस साइड में ले जाएगा, जहाँ कुछ प्रतीक्षा करने के बाद ऑटोमेटिक आपको फिंगरप्रिंट को यहाँ पर ले लिया जाएगा। फिर यहाँ चकमक लगाना है, चकमक लगाने के बाद यहाँ पर स्टार्ट कैप्चा में क्लिक करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट का नाम पहले से मौजूद होगा, और यहाँ आपको लिखना है मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा कि आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोर्स नेम यहाँ पर पहले से मौजूद होगा, जेंडर यहाँ पर पहले से मौजूद होगा, डेट ऑफ बर्थ भी पहले से मौजूद होगा। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है एसटी, एससी, ओबीसी। स्टूडेंट का टाइप सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिव्यांगता यदि है तो, अन्यथा इसको नॉन करेंगे। स्टूडेंट रिलीजन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यहाँ से हिंदू आप अपने हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पर पूरा एड्रेस, विलेज नेम, तो आपका सेंटर जिस भी पंचायत में होगा केवल वही नाम यहाँ पर शो करेगा, आप अदर शो नहीं करा सकते। तो मैं यहाँ पर बड़गांव सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा स्टूडेंट यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा नीचे चलते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कितना तक वो लास्ट पढ़ा है, तो यहाँ पर मैं इसको 7 सेलेक्ट करता हूँ। टाइप ऑफ फोन, आपके पास स्मार्टफोन है या बेसिक फोन है, तो यहाँ पर ये बेसिक फोन इसके पास है। यहाँ पर स्टूडेंट का पिन कोड डालेंगे। फोटोग्राफ यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, फोटो याद रहे 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। नीचे आपका कार्य सेलेक्ट करना है, आप कौन सा कार्य करते हैं, तो यहाँ से मैं इसका फार्मर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक फार्मर है, बस बीपीएल कार्ड है तो हम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको अनटिक रहने देंगे। हेल्प सेल्फ ग्रुप, क्या स्व सहायता समूह से संबंधित है, यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। यदि नहीं है तो फिर यहाँ पर एड में क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा स्टूडेंट यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है, उसका आईडी पासवर्ड यहाँ पर हमको मिल चुका है। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट व्यू में जाकर देखते हैं हमारा स्टूडेंट एड हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं हमारा स्टूडेंट यहाँ पर एड हो चुका है। फर्स्ट यहाँ पर नाम देख सकते हैं, जो अभी अभी हमने एड किया यहाँ पर, और हमारा ईमेल वेरीफाई भी नहीं हुआ, स्टूडेंट ट्रेनिंग भी नहीं हुआ, और आउटकम फॉर्म भी नहीं भरा, ना ही टेस्ट हुआ, ये आज के डेट में किए हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने का, तो कीजिए, बेस्ट सर्विस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीएससी में कमाई देने वाला सर्विस पीएमजी दिशा है। इस संबंध में किसी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।